हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रात के 9 बज चुके हैं और अब मुझे फाइनली टाइम मिल रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने का। आप सोच रहे होंगे आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, मुझे तो फ्री होना चाहिए, बट मेरा आज भी वर्किंग था। मैं एक बोर्डिंग स्कूल में टीचर हूँ, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल है तो वहाँ कोई छुट्टी नहीं होती, गांधी जयंती भी नहीं, दशहरा भी नहीं होगी। सो सुबह मैं उठ के स्कूल गई, वहाँ पे काम करा। एक्चुअली कल PTM है तो आज हमें रिजल्ट कंपाइल करना था, मुझे घर आके भी थोड़ा सा काम करना पड़ा स्कूल का, तो उस सब के चक्कर में आज मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने में लेट हो गई। सो दिस इज़ द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियो टुडे, एंड आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे हम OTG में फूड आइटम्स को गर्म कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा गर्म होता है बाहर से भी, और अंदर की स्टफिंग भी बहुत अच्छी गर्म होती है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम फूड आइटम्स को गर्म कर सकते हैं OTG ओवन में। सो मैं यूज़ करने वाली हूँ चपाती, समोसा, कचौड़ी और एक ब्रेड पकौड़ा। इन सबको हम OTG में गर्म करके दिखाएंगे, वो भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से। सो लेट्स गो टू माई किचन एंड सी हाउ कैन वी हीट फूड इन एन OTG ओवन। OTG में खाना गर्म करने के लिए सबसे पहले हम सेंटर वाले कॉलम में ग्रिलिंग रैक लगाएंगे, जिस पे हम अपना खाना रखेंगे जो भी हमें गर्म करना है, और एंड में हम लगाएंगे ये ट्रे जिससे कुछ भी गिरे तो हमारा OTG गंदा ना हो सके। तो अब इसमें हम हमारी फूड आइटम्स डाल देंगे और टेम्परेचर सेट करेंगे। इस तरीके से फूड आइटम रैक पे रख देने के बाद हम उसका टेम्परेचर सेट करेंगे 200 से 210 डिग्री तक। इसका टाइमर पहले सबसे पहले हम दोनों रॉड्स ऑन करेंगे इसकी, और हम इसका टाइमर सेट करेंगे 10 से 15। टाइमर ऑफ होते ही हम OTG को बंद करेंगे और हमारा फूड आइटम्स निकाल लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि ये बहुत अच्छे से गर्म हो गया है।